नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ गिरेश मेत्रे, आपका वॉशिंग मशीन का दोस्त। वॉशिंग मशीन, फ्रिज या ओवन या फिल्टर, सबके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके साथ जुड़े हैं गिरेश मेत्रे। यह है आपका आज का टॉपिक है, वॉशिंग मशीन पानी नहीं ले रहा है, वॉशिंग मशीन पानी नहीं आता है। तो वॉशिंग मशीन पानी के बिना चलता नहीं, इसलिए हम पानी आना चाहिए और वॉशिंग मशीन में पानी आता नहीं, ये आपका प्रॉब्लम है। तो मैं आपको सुलझाऊंगा आज पानी वॉशिंग मशीन में क्यों नहीं आता है। चलो फ्रेंड्स, देखता हूँ, दिखाता हूँ। तो ये है वॉशिंग मशीन का इनलेट वॉल, ऐसे ही आपका वॉशिंग मशीन इंस्टॉल्ड है। तो आप पहली बात ये चेक करना है कि आपका नल में पानी है या नहीं, तो उसके बाद आप आगे दिखाएंगे। समझो आपका ये अभी वॉशिंग मशीन का नल है, इसमें पानी ये टैप खोल दिया आपने, तो आपको वॉशिंग मशीन के नल में पानी आ रहा है, तो आपका नल इंटेक जो है वो ओके है। तो आप ये नल बंद करके इसको हम छोड़ देंगे और ये खोलेंगे वॉशिंग मशीन का टैप। तो दोस्तों ये ऐसा खोलना है, इसको ऐसा खोलना है। ये खोलने के बाद आपका वॉशिंग मशीन ये ऐसा इस तरह के दिखेगा, इस तरह दिखेगा। और इसमें एक ये रहता है, फिल्टर रहता है। ये पूरा फिल्टर पूरा तरीके से ब्लॉक हो गया है, इसलिए पानी आपका अंदर आता नहीं है। इसलिए आपने इसको हर महीने या दो महीने में एक बार इसको क्लीन करना है। तो क्लीन करके दोबारा इसको लगाएंगे और आपका टैप ऑन करेंगे और नल चालू करेंगे, वॉशिंग मशीन में पानी आ गया। तो आपका प्रॉब्लम इस फिल्टर में है, इसके लिए इस फिल्टर को आप बार बार क्लीन करते रहिए। इसके कारण आपका मशीन खराब हो सकता है, टाइम डिले हो सकता है। और ये फिल्टर जब क्लीन करते हो तो आपका मशीन प्रॉपर टाइम में काम कर देता है। जबकि टाइम समझो यहाँ पे 1 आवर दिखेगा तो 1 आवर में ही कंप्लीट हो जाएगा, 2 आवर दिखेगा तो 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। ये फिल्टर का काम है बस।